व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक एनके। तो आज हम करेंगे लैपटॉप्स के बारे में बात। जैसे कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि लैपटॉप के बारे में बताओ, इसका मतलब या तो उनको लैपटॉप लेना होगा या फिर उनके किसी रिलेटिव को लेना होगा। तो लैपटॉप के बारे में हम बात करेंगे कि लैपटॉप कौन सा 50,000 के नीचे और 25+, मतलब कि 25,000 से ऊपर के जो लैपटॉप होंगे और 50 से नीचे के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे मैं प्राइस ऊपर लेके जाऊंगा। इस प्राइस पॉइंट पे बेस्ट लैपटॉप दिखा रहा हूँ कि इस प्राइस पॉइंट में ये बेस्ट लैपटॉप मिल सकता है, और कंपनी वाइज क्या क्या डिफरेंसेस मिल जाते हैं हमें परफॉर्मेंस में या फिर कोई कॉम्पोनेंट में, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या लैपटॉप में। पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें SSD चाहिए, फिर हमें चाहिए अच्छी रैम, हमें अच्छी स्क्रीन भी चाहिए और हमें प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए। मैं आपको ये सारी चीज़ें उस प्राइस पॉइंट में बेस्ट पॉइंट में मिलेगी वो बताऊंगा कि इस प्राइस पॉइंट में बेस्ट कौन सा मिलेगा। अभी तक पूरा NS14 कुछ इस तरीके से इसका पूरा नेम है, और इस प्राइस पॉइंट में 29,000 में ये 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है, AMD R3 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि मैं बोलूँगा कि इतना अच्छा नहीं है पर प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसमें आपको ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाता है AMD का। इसमें 4GB रैम है, SSD भी है 256GB की। SSD आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया लैपटॉप में और होनी चाहिए लैपटॉप्स में। HDD जो पहले हार्ड ड्राइव्स थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मामला उन सब चीज़ों का। मेरे लैपटॉप में भी HDD है, और HDD इतनी अच्छी नहीं होती है। अगर आपकी रैम भी बहुत ज़्यादा हो गया तो भी आपका लैपटॉप स्लो चलेगा अगर आपके पास SSD नहीं है। तो आजकल तो यही ज़माना चल रहा है, तो SSD मैं मस्ट बोलूँगा कि SSD तो होनी चाहिए आपके में, या तो SSD या तो Optane। ये तीनों चीज़ें के बारे में कंपैरिजन भी बताऊंगा, पर इसके बारे में अलग से बताऊंगा कि इन तीनों चीज़ों में कंपैरिजन क्या है, इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंसेस है और क्या इनमें एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है सब बताऊंगा, पर अलग से वीडियो कवर करूंगा। तो फिलहाल तो हम इसी में आ जाते हैं कि लैपटॉप कौन सा बेस्ट है किस प्राइस पॉइंट में। तो हम बढ़ते हैं अगले लैपटॉप की तरफ। अगला लैपटॉप हमारे पास थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दी हमने, 34,000 कर दी, और सेम लैपटॉप है, बस थोड़ा आपको प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है और आपको ग्राफिक कार्ड अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो इसमें प्रोसेसर आपको i3 मिल जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आपको प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड अच्छा मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड अल्ट्रा HD ग्राफिक्स है, तो मतलब उससे बेटर है, थोड़ा बेटर है, ज़्यादा नहीं बोल सकता। और ये लैपटॉप अगर आपको स्टूडेंट को चाहिए या फिर किसी ऐसे आदमी को चाहिए जो वीडियो एडिटिंग करता हो और थोड़ी बहुत गेम्स भी खेलता हो, तो उसके लिए अगर आप प्राइस नहीं इंक्रीज़ कर सकते तो इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। थोड़ा सा प्राइस और इंक्रीज़ करेंगे तो और मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी हमें। तो हम चलते हैं, प्राइस थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 40,000 करीब करते हैं। और 40,000 पे हमें मिल रहा है अविता का लिबर V15, आगे इसका सीरियल नंबर। और ये लैपटॉप 40,000 के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। i5 आपको मिल रहा है 10th generation और 512 GB की SSD मिल रही है, मतलब कि 40,000 में। और अगर आप पीछे थोड़ा सा जाओगे आपको i3 8th generation 34 में मिल रही थी, तो इससे कंपेरिजन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब थोड़ा सा आप पे ज़्यादा करो, बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। i5 विद 10th generation SSD भी 512 GB मिल रही है, विंडोज 10 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड है, और ग्राफिक कार्ड भी इंटीग्रेटेड है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपको प्रोग्रामिंग या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर नॉर्मल छोटी मोटी गेम्स खेलनी है, उस हिसाब से अगर आप लैपटॉप लोगे तो काफ़ी अच्छा है। वैसे भी अगर आपको ग्राफिक कार्ड बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, इसमें ऑप्शन होता है बढ़ाने का। अगर आपको रैम भी इंक्रीज़ करनी है तो रैम भी मिल जाएगी। और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अविता कोई नई कंपनी हम कैसे विश्वास कर ले, पर एक्चुअली में अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो काफ़ी अच्छी है, स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी है इनकी और परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। और इस प्राइस पॉइंट में आपको इतने सही कंपोनेंट्स कहीं नहीं मिलेंगे अगर आप कंपेयर करोगे। जैसे कि अभी मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूँगा, नेक्स्ट है डेल का वॉच 2। अगर हम प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, 43,000 के करीब जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा डेल की तरफ से i3 10th जनरेशन, पर उसमें हमें i5 10th जनरेशन मिल रहा था, पर इसमें i3 10th जनरेशन है, 8GB उसमें मिल रहा था, इसमें आपको 4GB रैम मिलेगी और 1TB की आपको हार्ड ड्राइव मिल रही है और 256 की SSD मिल रही है। तो SSD और HDD दोनों है, SSD होनी चाहिए या फिर SSD या तो Optane मेमोरी, दोनों में से कुछ भी होगा तो चलेगा हमें। और इसमें प्री इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है, विंडोज 10 है, मतलब इस प्राइस पॉइंट में ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी बेस्ट है कंपनी वाइज भी अगर देखोगे। पर मैं रेकमेंड करूंगा अविता का लैप, जो कि आपको सब कुछ मिल रहा है उसमें, SSD उसमें ज़्यादा है, बस उसमें आपको 1TB की हार्ड डिस्क नहीं मिलेगी, पर उसका ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, आपकी कहीं स्टोरेज यूज़ भी नहीं होती, आप अलग से भी खरीद सकते हो, 3,000 में तो आपको उतनी मिली जाएगी। अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है तो आप डेल लो, डेल पुरानी कंपनी है, भरोसा ज़्यादा होगा। अगर हमने प्राइस इंक्रीज़ किया है 44 तक, तो 44 में हमें मी नोटबुक i5 विद 256 SSD और 8GB रैम, प्री इंस्टॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडोज 10 हो, तो
इस प्राइस पॉइंट में ये भी काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप SSD इम्प्रूव करोगे तो आपको और पे करना पड़ेगा, और अगर आपको SSD भी चाहिए और आपको ग्राफिक कार्ड भी चाहिए तो आपको और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। वो आपको 50,000 का मिल जाएगा, i5 512 GB की SSD और NVIDIA का MX250, मतलब ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा अगर गेमिंग पर्पज़ के लिए आपको लेना है। और ये लैपटॉप बेसिकली जब कोई स्टूडेंट हो गया या फिर कोई बिजनेसमैन टाइप का, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, नॉट पर्पसली फॉर गेमिंग। अगर मैं गेमिंग के इसको रिकमेंड करूँ तो मैं इनको रिकमेंड नहीं करना चाहता। अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो आपको और अच्छा लैपटॉप देखना चाहिए इससे। अगर आप इसमें गेमिंग ढूंढोगे तो आपको गेमिंग लैपटॉप की परफॉर्मेंस इसमें नहीं मिलेगी। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप कंपनी वाइज देखोगे तो आपको बहुत सारी खामियाँ दिखेंगी कि इसमें ये होना चाहिए था, इसमें ये नहीं है। पर वो भी है कि उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वो कंपोनेंट्स डालने में भी थोड़ा पैसा बढ़ाएंगे। तो इसीलिए आप या तो न्यू कंपनी में जाओ, या तो आपको परफॉर्मेंस थोड़ी गिरानी पड़ेगी, या तो आपको प्राइस थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, दोनों आपको एक साथ नहीं मिल सकता। जितना हो सकता था उतना मैंने आपको बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट रेंज पे दिखा दिया है। अगर आपके लैपटॉप में CD ड्राइव है ऑलरेडी तो SSD जो होगी वो CD ड्राइव निकाल के SSD इंस्टॉल करा जाएगी। अलग से SSD के लिए कोई स्पेस खाली नहीं रहती है, RAM के लिए रहती है, आप RAM इंप्रूव कर सकते हो। पर मैं आपको एक सच्ची सी बात बता दूं कि RAM से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा लैपटॉप भी 12 GB RAM है पर 1 TB हार्ड ड्राइव है, तो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, आपको दिख रहा होगा कि मेरे लैपटॉप में 12 GB RAM है, 1 TB स्टोरेज है। तो परफॉर्मेंस अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि मेरा लैपटॉप कैसे चलता है, तो मैं बताऊंगा मेरा लैपटॉप इतना अच्छा नहीं चलता जितना अच्छा उसे चलना चाहिए। और 12 GB RAM के हिसाब से जितना सोच रहा था मैं कि उतना चलना चाहिए, पर उतना नहीं चल रहा है क्योंकि मेरे को इसमें SSD इंस्टॉल करनी पड़ेगी। पर मेरे लैपटॉप में CD ड्राइव नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, तो मुझे झेलना पड़ेगा इस लैपटॉप को। तो आप ये गलती नहीं करना, आप SSD देख के लेना, या फिर SSD जब तो ऑप्टेन भी एक मेमोरी होती है, वो भी सेम है, SSD से थोड़ी इम्प्रूव रहती है। वो को अगर ऑप्टेन लोगे तो ऑप्टेन में इतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं मिलेगी जितनी SSD में मिलती है। ऑप्टेन में आपको 16 GB या फिर 32 GB इतना ही मिलेगा, आपको 512 GB वगैरह ये सब नहीं मिलेगा। पर ऑप्टेन का अलग फ़ायदा है, वो मैं आपको बताऊँगा, अलग से वीडियो बनाऊँगा कि क्या फ़ायदा है ऑप्टेन का। पर आपको ऑप्टेन वाले लैपटॉप मुश्किल से ही देखने को मिलेंगे अमेज़ॉन पे या फिर किसी और पे। और ये सारे लैपटॉप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये सारे लैपटॉप अमेज़ॉन से है। और मैंने अमेज़ॉन इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि ये जो प्राइस पॉइंट मैंने आपको बताया है इससे कम हो सकते हैं लैपटॉप, क्योंकि जो सेल आने वाली है प्राइम डे पे तो उसमें आपको और डिस्काउंट मिल सकता है, जितना मैंने बताया है उससे आपको कम मिल सकता है उसमें। और अगर आपके पास HDFC कार्ड का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड दोनों में से कुछ भी है तो आपको उसमें और ज़्यादा डिस्काउंट होगा। तो देख लो अभी यार ये डील, अगर आपको लेना है तो इस चीज़ में ले सकते हो। और यही मेरा मोटो था कि आपको जल्दी से अच्छा लैपटॉप बता दूँ कि कौन कौन सा है आपकी नज़र में हो, जब आपको इसमें कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिले तो आप उसको ले लो। और हाँ, मैं अब से हर वीडियो के एंड में आपको एक बोनस वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन बताऊंगा जो कि आपके डेली यूज़ में काफ़ी अच्छी रहेगी और आपके काम आसान कर देगी। तो वेबसाइट है और एप्लीकेशन भी है, और मैं हर वीडियो में आपको बताऊँगा आखिरी में, ताकि आप स्टार्टिंग की सारी वीडियो देख लो, फिर बाद में आपको बोनस मिले। तो जो आखिरी तक मेरी वीडियोस देखेगा उसको बोनस मिलेगा। और आज भी मैं बताऊंगा कि आपको बोनस वेबसाइट क्या है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स है या फिर कोई वीडियो एडिटर, कोई भी ऐसा आदमी है जिसको अपनी फोटो, कोई भी फोटो को कंप्रेस करना है या फिर उनको रीसाइज करना है या फिर उनका फॉर्मेट कन्वर्ट करना है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा, और फिर आपको यहाँ से फ़ोटो अपलोड करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने फ़ोटो अपलोड की, YouTube की फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ मैं, YouTube की मैंने फ़ोटो अपलोड की, और फिर बाद में मेरे को यहाँ से पूछ रहा है कि कितना पिक्सल्स रखना है वगैरह, जैसे कौन से फॉर्मेट में मेरे को चाहिए, सब चीज़ें अवेलेबल होंगी इसमें। और जैसे ही आपने इसको कंप्रेस कर लिया तो आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लेना। और ऐसी बोनस एप्लीकेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो मेरी वीडियो आखिरी तक देखेंगे, और मेरी वीडियो ज़्यादातर लोग आखिरी तक नहीं देखते हैं, शायद उनको बोर लगता होगा या फिर कुछ भी। पर तो आगे मैं अपनी वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा कि ताकि आखिरी तक वीडियो देखो और आप कुछ फ़ायदा उठाओ। आखिरी में एक बोनस एप्लीकेशन या वेबसाइट दूंगा जो आपके डेली यूज़ में काम आएगी, और अगली बोनस एप्लीकेशन भी बहुत मज़ेदार चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।